हाजी हाजी करने वाले लोग यदि आपके पास में है तो आपकी प्रगति में बहुत बड़ा धोखा हो सकता है या आपके प्रगति के वो बीच में आ सकता है। तो आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला मुंबई नागपुर पुणे यहाँ हमारे हॉस्पिटल्स हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत ये हमारा मिशन है। आई डोंट वॉन्ट एनी यस मैन अराउंड मी। आई वॉन्ट एवरीबडी टू टेल मी द ट्रूथ इवन इफ इट कॉस्ट देम देयर जॉब्स। ये बताया सैमुअल गोल्डविन ने। इसका मतलब यह है कि मुझे मेरे आसपास हाजी हाजी करने वाले लोग नहीं होना। मेरे आसपास के लोग जो है वो ऐसे होना जरूरी है कि जो मुझे सत्य बताएंगे, और सत्य बताकर उनका उनकी नौकरी भी समझो जाती होंगी, उनको नौकरी भी कभी खोना पड़ता होगा, मगर वो सत्य बताएंगे। ऐसे यदि लोग होंगे तो वो लोग मुझे चाहिए। हम हरदम देखते हैं कि हमारे पास में आजू बाजू में हमारे हाथ के नीचे जो काम करते हैं लोग वो हाजी हाजी करने वाले रहते हैं। उनको ऐसा डर लगता है कि बॉस को हमने ना नहीं बोलना चाहिए, कोई नकारात्मक बोलना नहीं चाहिए, उसके हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, और यदि हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे उनको अच्छा लगता नहीं तभी भी, तो फिर हाँ में हाँ नहीं मिलाया तो बॉस नाराज हो जाएगा या मालिक नाराज हो जाएगा और वो कुछ बताएंगे नहीं। अपने मन में वो बोलते होंगे कि अरे ये ठीक नहीं है, ऐसा उनको लगता होगा। कोई डिसीजन मालिक ने लिया होगा, उनको लगता होगा कि ये ठीक नहीं है, मगर तभी भी वो साफ बोलेंगे नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अपना जॉब चले जाएंगे या मालिक के नज़र में मैं एक निगेटिव आदमी करके सामने आ जाऊंगा या और कुछ हो जाएगा जो मुझे पता नहीं है। तो ऐसे लोग आसपास में रहते हैं। एक्चुअली उसमें जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है, जो वहाँ डिसीजन लेने वाला है, उसका नुकसान हो सकता है, कंपनी का नुकसान हो सकता है, मगर वो लोग चाहते नहीं है। मतलब वो लोग देखते भी नहीं है कि मतलब ऐसा हो गया तो भी चलता है करके। उनको लगता है कि चलो जान दो ना, अपने को क्या है, मेरे को आज मेरा जॉब टिके रहना है, मतलब मेरे जॉब में टिके रहने का है। तो आपके आजू बाजू में ऐसे लोग रखो कि जो लोग आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सकेंगे, जो आपसे सीधा बोल सकेंगे कि नहीं इसमें कंपनी का लॉस हो रहा है, इसमें हमारा लॉस हो रहा है, ये हमने नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलने वाले, स्ट्रेट बोलने वाले लोग आपके पास में होना चाहिए। मगर वो इस तरह का लोग कब बोलेंगे, जब आपने उनको ऐसी परमिशन दी है। आपके यहाँ ऐसा वातावरण है कि जहाँ लोग सीधी बात कर सकते हैं। यदि आप बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हैं, बहुत प्रभावशाली है, लोगों के ऊपर हावी होने वाले हैं, लोगों को दबाने वाले हैं, सप्रेस करने वाले हैं, लोगों के सामने एक हिटलर जैसे है, टेरर है, तो फिर आपके सामने कोई बात ही नहीं करेगा। उनको लगता है कि क्यों मुंह खोलना, फजूल अपने ऊपर कुछ हो गया, कुछ गलत बोल दिया तो, और मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो उसमें से कुछ अच्छा नहीं निकला तो लोग फिर बोलेंगे नहीं। और फिर ऐसे लोग रहेंगे तो क्या है, मालिक ने कुछ बोला, CEO ने बोला या MD ने कुछ बोला, यस सर यस सर यस सर बोलेंगे, और फिर यस सर बोलते कंपनी का नुकसान भी होता भी चलता है। उनको लगता है कि ठीक है, यहाँ नहीं तो और कहीं जॉब को चले जाएंगे। इसलिए आपके आसपास के लोगों को आप ये परमिशन दो कि वो सीधी बात करते हैं तभी कुछ होगा नहीं, वो ट्रुथ बोलते हैं तभी भी कुछ होगा नहीं, उनके ऊपर कुछ एक्शन होंगे नहीं, उनको कोई निगेटिव बोलेगा नहीं, उनको कोई सप्रेस करेगा नहीं, उनके ऊपर कोई हावी होंगे ना हावी नहीं होगा, उनको कोई डोमिनेट नहीं करेगा। यदि ये परमिशन, ये फ्रीडम यदि आपके आजू बाजू में काम करने वाले लोगों को सबको होगा, और लोग ये सत्य बोलते हैं, ट्रुथ बोलते हैं, और एकदम फ्री वातावरण में सब काम करते हैं, देखो कंपनी की कितनी प्रगति हो सकती है। इसलिए जो सैमुअल गोल्डविन ने बोला है कि आई डोंट वॉन्ट एनी यस मैन अराउंड मी, आई वॉन्ट एवरीबडी टू टेल मी द ट्रुथ इवन इफ इट कॉस्ट देम देयर जॉब्स। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।